नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल सिंह के निर्देशानुसार इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 निर्मल सिंह की ओर से 2 और 3 जुलाई की रात को कोको बार में हत्या के प्रयास को लेकर चलाई गोली के संबंध में पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहित जगौता पुत्र मनोज कुमार निवासी तरसेम कॉलोनी जसिया हबोवाल जिला लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 और 3 जुलाई 2022 की रात को कोको बार में हुई लड़ाई झगड़े में जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। इस मामले में कोको बार में चली गोली से एक व्यक्ति को टांग में गोली लगने से वो घायल हो गया था। इस व्यक्ति को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में भर्ती करवाया गया था। इस वारदात में अन्य एक व्यक्ति को भी घायल होने पर नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में भर्ती करवाया गया था। इस बारे में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची थी। इस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 307 और 2554 आर्म्स एक्ट के तहत थाना सेक्टर 5 में मामला दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 इंस्पेक्टर निर्मल सिंह व उनकी टीम ने वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को 11 जुलाई को पिहोवा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि वारदात में शामिल अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा सके। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। ये 2 और 3 जुलाई की रात को वी आवर्स में सुबह के समय कोको बार जो सेक्टर 11 में है उसमें गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें शराब के 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ और उसमें फायर से इंजरी हुई थी और नरेश कुमार जो शर्मा है जो कोको बार वाला उसकी टांग में गोली लगी थी। तो ये पर्चा दर्ज हो गया था जिसमें मौके से ही जो अपराध में प्रयोग किया गया कंट्री मेड पिस्टल था और कारतूस और खोल बरामद हुए थे। उसमें सेक्टर 19 की क्राइम टीम इंस्पेक्टर निर्मल की अध्यक्षता में लगातार उसकी सर्च में थी। आज हम उसमें उस वारदात में जो आरोपी है उसको हम गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। निर्मल की टीम ने और एएसआई धनीराम और उसके साथियों ने पेहवा से एक होटल से इसको गिरफ्तार किया है। आज इसको रिमांड पे लिया जाएगा न्यायालय में पेश करके और इसमें अनुसंधान किया जाएगा। गोली चलने की वजह क्या थी सर? ये कोई पार्टी कर रहे थे उसके अंदर कोको बार के अंदर और बीच में जब ये डांस कर रहे थे तो कोई दूसरे पक्ष का व्यक्ति इनके बीच में आ गया जो उस वक्त नशे की हालत में इनको नागवार गुजरा और ये चौथा राउंड भी फायर किया था जिसके कारण शीशा। अभी तक हमारे पास जो है 3 खोल और 1 जिंदा कारतूस ये हमें रिकवर हुआ है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है मोहित जगौता और ये लुधियाना जिले के जसिया हबोवाल का रहने वाला है। सर, आरोपी के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज? इसकी अभी कोई प्रीवियस हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई है, फिर भी हम इससे गहन पूछताछ करेंगे। सर, आर्म्स एक्ट के हिसाब से क्या हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा सकते हैं अपने आर्म्स एक्ट? अगर लाइसेंस्ड है तो सवाल, ये तो अवैध था, ये तो कंट्री मेड पिस्टल था, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो पब्लिक प्लेस में सर लेके चला गया ना ये हथियार को, तो लेके जाना सर इलीगल है। ये इलीगल ही होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।